नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के मौजपुर जाफराबाद इलाके में चल रहे प्रदर्शन के दौरान सोमवार को हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों घरों में आग लगा दी है। हिंसा में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की भी मौत हो गई है। खबरों के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने चांदबाग बाजार के इलाके में DCP शाहदरा की गाड़ी में भी आग लगा दी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में जारी हिंसा के बीच कम से कम 10 जगहों पर धारा 144 लगाई गई है। वहीं दिल्ली के मौजपुर में हिंसा पर उत्तर पूर्वी दिल्ली के DCP वेद प्रकाश सूर्य ने कहा है कि हमने दोनों पक्षों से बात की है, हालात ठीक हैं, हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, स्थिति काबू में है। भारत दौरे पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साबरमती आश्रम भी पहुंचे, लेकिन इस दौरान उन्होंने आश्रम से निकलने से पहले विजिटर्स बुक में महात्मा गांधी के बारे में नहीं लिखा, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए संदेश लिखा। ट्रंप ने लिखा, मेरे महान दोस्त प्रधानमंत्री मोदी का इस शानदार यात्रा के लिए शुक्रिया। हालांकि परंपरा ये रही है कि जब भी कोई हस्ती गांधी आश्रम आती है, वो महात्मा गांधी, उनके संघर्ष या उनकी शख्सियत के बारे में दो शब्द जरूर लिखती है। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में भाषण करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस्लामी आतंकवाद का मुद्दा जोरों से उठाया। उन्होंने कहा कि उनका देश इस्लामी आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और आगे भी ऐसी ताकतों से लड़ता रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट को खत्म कर दिया है और उसके सरगना बगदादी को मार गिराया है। ट्रंप ने इस मामले में भारत को पूरा समर्थन देने का आश्वासन भी दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नज़र भारत की सामरिक जरूरतों पर टिकी हुई है और वे ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकी हथियार भारत को बेचना चाहते हैं। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में अपने भाषण के दौरान उन्होंने खुलेआम ये कह दिया। उन्होंने कहा कि वे भारत को रक्षा उपकरण और इससे जुड़ी चीज़ें बेचना चाहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मामले में अमेरिका भारत की मदद कर सकता है। भारत दौरे पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति आगरा में ताजमहल को भी देखने पहुंचे हैं। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और बेटी इवांका ट्रंप भी थी, जिनका उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की यात्रा के बीच शेयर बाजार ने गोता लगाया है। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को सेंसेक्स 806.89 अंकों की भारी गिरावट के साथ 40,363.23 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 242.25 अंक फिसल कर 11,838 पर बंद हुआ। यह तब है जब ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान भारत के साथ व्यापार समझौतों को लेकर संभावनाएं जताई जा रही। जामिया हिंसा में भीड़ को उकसाने और देश विरोधी बातों के लिए 14 दिनों से जेल में बंद शर्जील इमाम की हिरासत को 4 और दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। गुवाहाटी कोर्ट ने आज ये फैसला किया। शाहीनबाग प्रदर्शन को लेकर आज मध्यस्थों ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कर दी है, जिसके बाद कोर्ट ने शाहीनबाग प्रदर्शन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई को 26 फरवरी तक स्थगित कर दिया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने शाहीनबाग प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए वरिष्ठ वकील साधा रामचंद्रन के साथ संजय हेगड़े को नियुक्त किया था, जो शाहीनबाग में गए और प्रदर्शनकारियों से बात करके आए। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मिली 5 एकड़ जमीन को लेने का फैसला किया है। सोमवार को ही बैठक में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने राज्य सरकार द्वारा 5 एकड़ जमीन को स्वीकार किया है। बोर्ड ने जमीन के लिए ट्रस्ट गठित करने का फैसला किया है। जमीन पर एक मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खबरों के मुताबिक महातिर ने अपना इस्तीफा वहां के राजा को सौंप दिया है। बता दें, महातिर की पार्टी बेरास्तू ने साझा सरकार के गठबंधन को छोड़ दिया है, लिहाजा उन्होंने इस्तीफा दे दिया। महातिर मोहम्मद 10 मई 2018 को PM बने थे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज महिला T20 विश्व कप के अपने दूसरे मैच में बांग्लादेश से भिड़ रही है, जिसमें बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, जिसके बाद भारत की तरफ से शफाली ने 16 गेंदों में 39 रन जड़कर अच्छी शुरुआत दी है। बता दें, इससे पहले भारत अपने पहले मैच में मजबूत ऑस्ट्रेलिया को हरा चुका है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।